कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए पीएम मोदी ने जिस तरह से 21 दिनों का पूरे देश भर में लॉकडाउन किया है और ऐसे में तमाम राज्यों से ये गुजारिश की है कि राज्य सरकार जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको खासा ख्याल रखते हुए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे। ऐसे में अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड सरकार पूरी मुस्तैदी से नजर आ रही है। एक गुजारिश के बाद अगर लोग एक ट्वीट भी कर रहे हैं तो हेमंत सरकार तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। अगर तमाम जिले के डीसी की बात करें वो भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, लोगों की सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं, कल जिस तरह से पीएम मोदी ने जैसे ही 8 बजे ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा कि 21 दिनों तक कर्फ्यू से ज्यादा आपको घर में रहना है, हम कर्फ्यू से ज्यादा इसको समझ सकते हैं, पूरे देश भर में लॉकडाउन होगा, 21 दिनों तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर का जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार नहीं करेंगे, ऐसे में दुकानों पर भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। हम जिस भीड़ से भाग रहे हैं, हम जिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भीड़ एक जगह पर ऐसे ही एक साथ नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। गैस एजेंसी के दुकान पे हजारों लोग एक साथ उमड़ पड़े, लोगों को ये नहीं पता है कि सरकार और प्रशासन अगर इस तरह के कदम उठा रहे हैं, अगर उन्हें रोका जा रहा है, ये तो लोगों के लिए रोका जा रहा है। लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो जिला प्रशासन से फोन कर मदद ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लेकिन इस तरह से लगातार एक जगह पर इकट्ठे ना हो, अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि भीड़ से दूरी बनाकर रखें, जिस भी चीज की जरूरत हो अगर वो आपको नहीं मिल पा रही है तो आप जिला प्रशासन से इसके लिए मदद मांग सकते हैं। बाकी आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से गैस लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है।